फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आए हुए हैं बाहर घूमने मिर्जापुर में, जो कि मेरे घर से लगभग 5 किलोमीटर की दूर पे है। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, ये डैम है। हनुमान जी हैं क्या? हनुमान जी हैं, हनुमान जी हाथ जोड़ लो। हनुमान मंदिर है। ओके, तो यहाँ है हनुमान जी की मंदिर। और ये मेरी मम्मा। ओके, सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं डैम पे, जो कि अरोरा में है, मिर्जापुर में। और ये बहुत ही पुराना डैम है। और यहाँ पे पूरे 23 फाटक हैं। और ये फाटक नंबर 3 है। इसे पूरा माउंटेन व्यू है। और ये नीचे भी जा कर के, यहाँ पे अभी पानी बहुत कम है क्योंकि अभी बरसात हो नहीं रहा है, बट बरसात के टाइम में ये पूरा भरा होता है और यहाँ से सीन बहुत अच्छा आता है। तो दीपक जी, जो आप लोग का आधा पिकनिक यहीं पे होता है, पिकनिक फिर क्या होता है? ये क्या है? ये घोड़े हैं कि खच्चर है? यहाँ घोड़े दिख जाए बहुत बड़ी बात है। बीच वाले घोड़े गधे के बीच वाले खच्चर। लेकिन सच में बहुत ही प्यारा व्यू है, हम ये सब देखे ही नहीं थे। वहीं तक मैं आई थी और वहीं चली गई थी। अच्छा, मुझे राउंड वाला है, वहाँ पे पिक वगैरह क्लिक कराएंगे, है ना? मम्मी यहाँ पे एक बार आई थी आंसू के साथ, तब इतना भी पानी नहीं था। बट यहाँ पे मैं बिल्कुल शाम को आई थी और फिर मैं गई नहीं, यहाँ से वापस चली गई। ये देखिए, यहाँ पे यहाँ से आपको सनसेट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और ये पूरा व्यू इतना प्यारा है। लोग घूमने के लिए बड़े बड़े जगहों पे जाते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे छोटे से ही जगह पे घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम उसको ज़रूरी नहीं समझते हैं। ये अभी जो मैंने डैम देखा, ये सुलिस है, इसका नेम सुलिस अभी क्या, ये मेरे को खुद भी नहीं पता। सुलिस है, सुलिस इससे माइनर में पानी जाता है। बट ये व्यू मेरे को बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ से सनसेट देखना बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा। देखो ये वाला, देखो कितना सुंदर सीन है, देखो। हाँ जी, गजब। हाँ, ये वाला। देखिए लोग फिशिंग कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मछलियाँ इसमें रहती हैं, इसमें पाली जाती हैं। बड़ी क्या करो, सब्सक्राइब करो वीडियो को, लाइक करो चैनल को, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए। बट मैं तो पहली बार घूमने आई हूँ ना, 20-21 साल की होगी, आज तक अब लाई ही नहीं थी। पहली बार मैं घूमने आ रही हूँ, इतना जगह घूम लिया है, अपने घर के साइड ही मैं नहीं घूमी हूँ। अरोरा बांध कमलापति त्रिपाठी, छोड़िए। नहीं मम्मी, मेरा शौक है घोड़े पे, व्हाइट घोड़े पे बैठने का, आप मुझे गधे पे बिठा रही हैं। बताओ, इतना बड़ा नाइंसाफी मेरे साथ। दीपक
दीपक जी को बैठा दो इसी पर। दीपक जी तो खुद ही चूटा पे बैठते हैं, घोड़ा पे क्या बैठेंगे। दीपक जी जो फोटो शूट कराएंगे फिर डालेंगे स्टेटस। किसी का चप्पल कोई नहीं जा रहा है। आप लोग पानी की आवाज सुन पा रहे होंगे और यहाँ पे फिशिंग के लिए ये नेट लगाए हुए हैं और ये पानी का फ्लो देखिए और ये पूरा इधर तक जाता है और इतना हम उतर करके आए हैं नीचे। नेचुरल ऊपर का दिखा, वहाँ पे सनसेट हो रहा है और वहाँ पे चांद भी निकल चुका है जो कि एक बहुत ही प्यारा व्यू है। फाइनली जो व्यू चाहिए था वो मेरे को मिल गया और मैं कर रही हूँ एंजॉय। माय गॉड बहुत ही प्यारा व्यू है यार, आई जस्ट लव इट, आई जस्ट लव इट। मम्मी क्या आप भी पानी में पैर डालिए, कितना स्वेटिंग हो गया है। अपने आप परवाजी से आ रहा है। हाँ वो बहाव से आ रहा है ना। ये मेरे स्लीपर देखो, वहाँ पे पापा जब से आए हैं फोन पे बात किए जा रहे हैं। ओके तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। मम्मी बाय बाय बोलिए, लव यू ऑल। Let's go.